Hi everyone, welcome back to Pictures. So DGHS Directorate General of Health Services सेंट्रल लेवल पे कई सारी पोस्ट रिलीज की है एंड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा. अगर नहीं भी देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अलग अलग पोस्ट के लिए वहाँ पे चेक कर सकते हैं. बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे वैकेंसीज का अपडेट मिल जाता है. आज के वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं. यहाँ पे नर्सिंग, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, कई सारी पोस्ट की वैकेंसी आई है. आई थिंक 487 प्लस वैकेंसीज है. अब यहाँ पे लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है, सेंट्रल लेवल की जॉब है, लेकिन सिलेबस भी पता होना चाहिए तभी तो आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करोगे. अब यहाँ पे जैसे कि ना ही तो पीडीएफ में इसके सिलेबस के बारे में मेंशन है, ना ही तो इसके ऑफिशियल साइट पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा. लेकिन एक लाइन अगर आपने पीडीएफ देखा है तो वहाँ पे एक लाइन मेंशन है सिलेबस के लिए. उसका जो लेवल होगा या उसका जो सिलेबस होगा वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही है. दैट मीन्स अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने बीएससी नर्सिंग किया है, राइट, या फिर जीएनएम किया है तो बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम में जो भी आपने स्टडी किया है वही पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में. अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि इतना सारा कुछ है तो क्या 3 साल का जो 4 साल का जो कोर्स है वो सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी फास्ट है यहाँ पे. तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी एंड मैं पर्सनली DGHS का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और जो चीज़ मुझे समझ में आई या जो चीज़ मुझे पता चला है वो मैं आपको बता देती हूँ. तो DGHS ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं किया है. इस एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. 60 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा. दैट मीन्स यहाँ पे 240 मार्क्स का ये पेपर है. 60 मिनट्स आपको मिलेंगे एंड 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग है. सो सिलेबस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का ही सिलेबस आपका सिलेबस रहने वाला है. सेंटर कहाँ जा सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें या किस सिलेबस के बेसिस पे प्रिपरेशन करें. सो जैसे मैंने आपसे कहा ये सेंट्रल लेवल की जॉब है. लेट सपोज एक पोस्ट लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर, ठीक. अब नर्सिंग ऑफिसर का जो पे लेवल है वो लेवल 7 है. अब इसका जो सिलेबस रहेगा या तो अदर सेंट्रल लेवल की जॉब रहेगी नर्सिंग ऑफिसर की, सेम लेवल हो जिसमें लेवल 7 की आपको सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पे जो सिलेबस है उसको आप रिफ़र कर सकते हैं. सो एम्स का जो नॉसेट होता है उसमें जो आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए सिलेबस होता है उस सिलेबस के बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. या फिर अगर फार्मासिस्ट की भी बात करें तो एम्स में फार्मासिस्ट Grade 2 की जो सिलेबस होती है उस सिलेबस के बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी लेवल 5 की सैलरी मिलती है और यहाँ पे भी लेवल 5 की सैलरी मिलती है. पोस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि सेंट्रल लेवल की कौन सी जॉब है, क्या लेवल है और क्या पोस्ट है. जैसे आप इसे कोरिलेट करते हैं वहाँ का सिलेबस आप ले सकते हैं एंड उसको एज अ रेफरेंस लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सो मेक श्योर जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, बॉयज़ के लिए स्पेशली, वो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए. यहाँ पे आपको फ्री कॉस्ट में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड विमेन सारे ही जितने भी गर्ल्स हैं जिन लोगों ने ये सारे कोर्सेज किए हुए हैं पैरामेडिकल कोर्सेज वो भी इस फॉर्म को ज़रूर भरे. सो प्रिपरेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं. बाकी अदर कोई भी डाउट हो आपको इस एग्जाम से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं. ऐसे और भी न्यू वैकेंसीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.